नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी के कोटे से एक और विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। अगले मंत्रिमंडल विस्तार में जजपा का एक और विधायक मंत्री बनाया जाएगा। जेजेपी के बाकी विधायकों को भी विभिन्न विभागों में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 26 नवंबर को होने वाले एक दिवसीय विधानसभा स्तर पर उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक चर्चा होगी। कॉमन विनियम कार्यक्रम में बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कॉमन विनियम प्रोग्राम रोड मैप बना करके तैयार किया जाएगा, जिसमें अनिल विज, अनूप धानक और 3 पूर्व विधायक के साथ साथ सभी विभाग के अधिकारी बैठकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कॉमन विनियम प्रोग्राम तैयार होगा। दुष्यंत चौटाला आज सिरसा में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एचटेट परीक्षा में जिलों के अंदर परीक्षा केंद्र बना करके सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर गांव में शराब के ठेके नहीं खोले जाने पर सरकार अपना प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने धान खरीद घोटाले में विपक्षी पार्टियों पर उठाए गए सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि न ही कोई नकली जे फार्म का मामला सामने आया है और न ही धान के खरीद घोटाले का सरकार अपने धान के स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रही है। अगर किसी सेलर्स के पास में स्टॉक की अनियमितता पाई गई तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। धान की खरीद नहीं होने पर खरीद में धांधली के आरोप पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को पार कर सरकार ने 63.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष जवाब दे कि वे चोरी को रोकना चाहते हैं या चोरी करने वालों का साथ देना चाहते हैं। कर्जा माफ करने की घोषणा को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक को पहले से ही ब्याज माफी के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मंत्रियों को बढ़ाए गए आवास के भत्ते को लेकर के चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी खबर चलती है तो सरकार इसके जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान दिवस के ऊपर केंद्र सरकार की ओर से आग्रह किया गया था कि हर विधानसभा संवैधानिक चीजों के ऊपर चर्चा करे और उसके लिए एक स्पेशल सेशन हरियाणा विधानसभा का रखा गया है कि एक दिन कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा करी जाएगी। और मैं तो मानता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन रहेगी कि हम कैसे आज इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन फेस संविधान के निर्माताओं से लेकर आज तक जो संवैधानिक संशोधन हुए उनकी वजह से हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ा उसके ऊपर तमाम विधायक अपने विचार रख पाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्टेट लेवल पर चेंजेस की उनको भी हम लाने का काम सर। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कब तक तैयार हो जाएगा? ने कहा कि हम सारे वादे पूरे नहीं कर सकते, वादे नहीं है तो सारे वादे तो किसी के भी पूरे नहीं हो पाएंगे। मगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो मुख्य घोषणाएं, जो साझी घोषणाएं या प्रदेश के राजस्व पर बोझ ना बनने वाली घोषणाएं हैं उस पर अनिल विज, अनूप धानक और 3 पूर्व विधायक के साथ सारे मैक में बैठकर चर्चा भी करेंगे और आगे का रोड मैप बनाएंगे कि हम किस तरीके से हेल्दी तरीके से अपनी घोषणाओं को प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करें। और आप लोग तो पूरा हरियाणा कवर करते हैं, आपको एक चीज़ बताओ कि जब एग्जामिनेशन के लिए 300-300 किलोमीटर ना जाने की बात थी तो आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, मगर कोई सा ऐसा साथी नहीं मिला मेरे को आप में से जिसने आकर एचटेट के एग्ज़ाम के बाद धन्यवाद किया हो कि 50 किलोमीटर के अंदर आकर वो वादा हमारा पूरा हो। ये शुरुआत है और आज तो फुल कैबिनेट बने भी 10 दिन का समय नहीं है, इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और ये वादा आपको करता हूँ अगले 10 दिनों के अंदर जो गाँव में ठेके हटाने की बात थी उसके ऊपर भी कड़े कदम आप उठते देखो। उसके जो भी जे फॉर्म जो नकली जे फॉर्म जिस तरह से जो फिजिकल वेरिफिकेशन की जा ना, तो नकली जे फॉर्म उसके अंदर मुद्दा है ना ही कोई घोटाले और घपले के ऊपर हमारे या हमारे महकमे ने कोई चर्चा करी। गवर्नमेंट का स्टॉक जो प्राइवेट सेलरों में पड़ा है परमल
कि जो परचेज हम 1850 रुपए एमएसपी पे करते हैं, हम तो सिर्फ अपने स्टॉक की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और जहां कहीं हमारे स्टॉक में डिस्क्रिपेंसीज आएंगी तो सेलर वाले को बाध्य उसकी जिम्मेवारी बनेगी कि उसको रीफिल करे। एक दो केसेस जरूर सुनने में आए थे जहां परमल की जगह बासमती पाई जा रही, तो उसके ऊपर जो कंसर्न व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई अगर करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, और अगर वो उसकी वेरिफिकेशन करा देता है कि उसके दूसरे यार्ड में उसकी स्टॉकिंग है तो फिर उसकी इंक्वायरी करा कर उसके ऊपर पेनल्टी लगा कर उसको सेलर वाले जो एसोसिएट होंगे जो पुलिस का जो पैरा बैठा है उसको लेकर एतराज बताया। अगर हरियाणा सरकार के राजस्व से निकले हुए पैसे से कोई चीज़ परचेज हुई और वो किसी कस्टोडियन के पास पड़ी है, उनके एग्रीमेंट्स की एक पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि हम उसकी कभी भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैबिनेट के अंदर ये मामला आया क्योंकि विधानसभा के सेशन के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भी अन्य पार्टियों के नेताओं ने बारी बारी जोर दिया कि जीरी परचेज नहीं हो रही, जीरी परचेज नहीं हो रही, जबकि हरियाणा सरकार का टारगेट 55 लाख मैट्रिक टन का था, हमने 63.5 लाख मैट्रिक टन 8.5 लाख मैट्रिक टन फालतू परचेज कर। अब जब हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारा स्टॉक खड़ा कहाँ है तो भी लोगों को दिक्कत आ रही है, या तो ये लोग चोरी रोकना चाहते हैं या ये लोग चोरों की मदद करना चाहते हैं। मैं तो उन लोगों से पूछूंगा कि आपकी सोच प्रदेश के बारे में कहाँ और किस प्रति है कि हम प्रदेश को कहाँ लेकर चलें। जैसे मंत्रिमंडल विस्तार में जन नायक जनता पार्टी का उनको शामिल किया गया और भी विस्तार में हमारे लोग, एक कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो आज भी खाली है जी, आगे एक्सपेंशन होगी, जो हमारे बचे साथ साथी हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ हम अटैच करें, और आगे जब एक्सपेंशन की बात आएगी तो जरूर पार्टी अपना कैबिनेट मंत्री भी बनाएगा। क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, कर्ज माफी को लेकर के सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं कि जहां दो कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है कर्ज माफी पे सरकार को बात करनी चाहिए। आपको फिर अपने आवास और बिजली भत्ते बढ़ाए गए सरकार ने, आपको फिर ये नॉलेज नहीं है कि जितने कोऑपरेटिव बैंक हैं उसके अंदर कर्ज माफी के लिए ऑलरेडी पॉलिसी बन चुकी है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने अपना इंटरेस्ट माफ कराकर मूल भर दिया है। कर्ज माफी की सोच क्या है? यही है कि लोगों के ऊपर जो कर्जे पे कर्जे पे कर्जे पे कर्जा चढ़ा है वो माफ हो, और अगर आज के दिन भी कोई अपने कोऑपरेटिव बैंक के सहकारी बैंक के तहत ये काम करता है, मूल देने को तैयार है, तो उसका कर्जा माफ करेंगे। अब इसके लिए कोई किसी मंत्री को जो अपना आवास नहीं लेता उसके भत्ते को बढ़ाने की बात को कर्ज माफी से आप जोड़कर देखोगे, ये तो बहुत मेरे ख्याल से काउंटर फ्लिक्टिंग सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी शाम को चला दो सरकार बातें नहीं है उसके। संविधान दिवस के ऊपर केंद्र सरकार की ओर से आग्रह किया गया था कि हर विधानसभा संवैधानिक चीज़ों के ऊपर चर्चा करें, और उसके लिए एक स्पेशल सेशन हरियाणा विधानसभा का रखा गया है कि एक दिन कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा करी जाएगी, और मैं तो मानता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन रहेगी कि हम कैसे आज इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन फेस संविधान के निर्माताओं से लेकर आज तक जो संवैधानिक संशोधन हुए उनकी वजह से हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ा उसके ऊपर तमाम विधायक अपने विचार रख पाएंगे, और मैं ये मानता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी कोई स्टेट लेवल पर चेंजेस की उनको भी हम लाने का काम करें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तब क्या रह जाएगा, ने कहा कि हम सारे वादे जनता के पूरे नहीं कर सकते, वादे नहीं है तो सारे वादे तो किसी के भी पूरे नहीं हो पाएंगे, पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो मुख्य घोषणाएं जो साझी घोषणाएं या प्रदेश के राजस्व पर बोझ ना बनने वाली घोषणाएं हैं उस पर अनिल विज, अनूप धानक और 3 पूर्व विधायक के साथ सारे मैक में बैठकर चर्चा भी करेंगे और आगे का रोड मैप बनाएंगे कि हम किस तरीके से हेल्दी तरीके से अपनी घोषणाओं को प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करें। और आप लोग तो पूरा हरियाणा कवर करते हैं, आपको एक चीज़ बताओ कि जब एग्जामिनेशन के लिए 300-300 किलोमीटर ना जाने की बात थी तो आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, मगर कोई सा ऐसा साथी नहीं मिला मेरे को आप में से जिसने आकर एचटेट के एग्ज़ाम के बाद धन्यवाद किया हो कि 50 किलोमीटर के अंदर आकर वो वादा हमारा पूरा हो। ये शुरुआत है
और आज तो फुल कैबिनेट बने भी 10 दिन का समय नहीं है, इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और ये वादा आपको करता हूँ अगले 10 दिनों के अंदर जो गाँव में ठेके हटाने की बात थी उसके ऊपर भी कड़े कदम आप उठते देखो। उसके जो भी जे फॉर्म जो नकली जे फॉर्म जिस तरह से जो फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए, ना तो नकली जे फॉर्म उसके अंदर मुद्दा है, ना ही कोई घोटाले और घपले के ऊपर हमारे या हमारे महकमे ने कोई चर्चा करी। गवर्नमेंट का स्टॉक जो प्राइवेट सेलरों में पड़ा है, परमल की जो परचेज हम 1850 रुपये MSP पे करते हैं, हम तो सिर्फ अपने स्टॉक की वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जहाँ कहीं हमारे स्टॉक में डिस्क्रिपेंसीज आएंगी उस सेलर वाले को बाध्य उसकी जिम्मेवारी बनेगी कि उसको रीफिल करे। एक दो केसेस जरूर सुनने में आए थे जहाँ परमल की जगह बासमती पाई जा रही है, तो उसके ऊपर जो कंसर्न व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई अगर करनी पड़ेगी तो हम करेंगे और अगर वो उसकी वेरिफिकेशन करा देता है कि उसके दूसरे यार्ड में उसकी स्टॉकिंग है तो फिर उसकी इंक्वायरी करा कर उसके ऊपर पेनल्टी लगा कर उसको सेलर वाले जो एसोसिएट उन्होंने जो पुलिस का जो पैरा बिठाया उसको लेकर एतराज उठाया। अगर हरियाणा सरकार के राजस्व से निकले हुए पैसे से कोई चीज़ परचेज हुई और वो किसी कस्टोडियन के पास पड़ी है, उनके एग्रीमेंट्स की एक पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि हम उसकी कभी भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैबिनेट के अंदर ये मामला आया क्योंकि विधानसभा के सेशन के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भी अन्य पार्टियों के नेताओं ने बारी बारी जोर दिया कि जीरी परचेज नहीं हो रही, जीरी परचेज नहीं हो रही, जबकि हरियाणा सरकार का टारगेट 55 लाख मेट्रिक टन का था, हमने 63.5 लाख मेट्रिक टन 8.5 लाख मेट्रिक टन फालतू परचेज कर। अब जब हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारा स्टॉक खड़ा कहाँ है तो भी लोगों को दिक्कत आ रही है, या तो ये लोग चोरी रोकना चाहते हैं या ये लोग चोरों की मदद करना चाहते हैं। मैं तो उन लोगों से पूछूंगा कि आपकी सोच प्रदेश के बारे में कहाँ और किस प्रति है कि हम प्रदेश को कहाँ लेकर चलते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जिन्हें जनता पार्टी का शामिल किया गया और भी विस्तार में हमारे लोग एक कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो आज भी खाली है जी, आगे एक्सपेंशन होगी, जो हमारे बचे साथ साथी हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ हम अटैच करेंगे और आगे जब एक्सपेंशन की बात आएगी तो जरूर पार्टी अपना कैबिनेट मंत्री भी बना करने की बात नहीं है। कर्ज माफी को लेकर के सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं कि जहां दो कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, कर्ज माफी पे सरकार को बात करनी चाहिए। आपको फिर अपने आवास और बिजली भत्ते बढ़ाएंगे सरकार ने, आपको फिर ये नॉलेज नहीं है कि जितने कोऑपरेटिव बैंक हैं उसके अंदर कर्ज माफी के लिए ऑलरेडी पॉलिसी बन चुकी है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने अपना इंटरेस्ट माफ कराकर मूल भर दिया है। कर्ज माफी की सोच क्या है? यही है कि लोगों के ऊपर जो कर्जे पे कर्जे पे कर्जे पे कर्जा चढ़ा है वो माफ हो, और अगर आज के दिन भी कोई अपने कोऑपरेटिव बैंक के सहकारी बैंक के तहत ये काम करता है, मूल देने को तैयार है, तो उसका कर्जा हम माफ करेंगे। अब इसके लिए कोई किसी मंत्री को जो अपना आवास नहीं लेता उसके भत्ते को बढ़ाने की बात को कर्ज माफी से आप जोड़कर देखोगे ये तो बहुत मेरे ख्याल से काउंटर फ्लिपिंग। सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी शाम को चला दो, सरकार बातें नहीं है।